सासनी तहसील में शनिवार को समाधान दिवस लगा, जिसमें उपजिलाधिकारी व तहसीलदार ने शिकायतें सुनी, जिसमें 28 शिकायतें आईं। मौके पर 2 शिकायतों का निस्तारण हुआ। लगातार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ निस्तारण, लगाया आरोप। मौके पर विभागीय अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। क्या नाम है आपका? मैं आशीष शर्मा हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं रोहिणी से आया हूँ। सासनी संपूर्ण समाधान दिवस में आए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा मंदिर बना हुआ है रोहिणी में, 60 वर्षों से पुराना था और भोले बाबा का मंदिर था, फिर उसको 2016 में नवीनीकरण कराया था और पारिवारिक विवाद के चलते हुए उसका हमने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, रजिस्ट्री करा दी ताकि कोई भी भविष्य में उसका अतिक्रमण न करे, उसे कब्जा न कर सके। लेकिन हमारे मंदिर के निजी रास्ता में वीरूस कुमार ने, सनोप नथीलाल ने अपने निजी गेट को दो बना दिए, जिसमें आने वाले लोग हैं, भक्तगण हैं, जन समुदाय, उनको कभी परेशान हो रही है। गेट जो निकाले हैं उसके सामने भी घर है, भविष्य में वो भी निकाल सकते हैं, तो हमारा रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमारा मंदिर निजी अपनी जगह बना हुआ है। कितने फुट की रास्ता है? हमारे मंदिर के सामने 12 फुट रास्ता है, लेकिन जहाँ गेट निकाले इसने वहाँ पर बहुत कम है, करीब 7-8 फुट की रास्ता है। वहाँ पर कहने का मतलब अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण कर रहे हैं, अशांति का माहौल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। हम SDM साहब से रिक्वेस्ट कर निवेदन करते हैं उनके गेट को हटवाया जाए ताकि हमें मंदिर परिसर में शांति का माहौल पैदा रहे। क्या कहा है साहब? साहब ने कहा कि आपका प्रकार जारी होगा। पहले में 21 तारीख को, पिछले महीने 21 तारीख को दे दिया था मैंने, पुलिस प्रशासन पहुंचा, लेखपाल थोड़ी देरी से पहुंचे, उन्होंने कहा था कि हम गेट को बंद करवाएंगे। उन्होंने नक्शा में देखा कि सरकारी रास्ता नहीं है, फिर लेखपाल ने अभी तक हमारी कोई सुनी नहीं है। अभी दोबारा आए हैं, इसलिए हम दोबारा आए और 12 तारीख को हमने मुख्यमंत्री पोर्टल भी डाल दिया शिकायत। हम चाहते हैं कि SDM साहब से कि हमारी कार्य को तुरंत करें ताकि जन समुदाय भक्तगणों को काफी मानसिकता की कोई परेशानी न हो। ठीक, किसका मंदिर? भोले बनाते हैं, माता शेरा वाली, राधा कृष्ण भगवान है, हनुमान जी महाराज, शनिदेव हैं, सभी चमण में सब हैं रोहिणी में। हाँ, रोहिणी में।